जनपद बांदा के मरका थाने के समगरा गांव में 5 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। सहायक शासकीय अधिवक्ता कमल सिंह गौतम ने बताया कि पॉस्को की अदालत में न्यायाधीश अनु सक्सेना ने गुरुवार को यह आदेश सुनाया। आरोपित समगरा गांव निवासी राम बहादुर पुत्र गंगवा प्रजापति को सुनवाई के बाद सुरक्षा के बीच जेल भेजा गया है। बालिका के पिता ने 18 अप्रैल 2021 को घटना के दूसरे दिन मरका थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचक ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। करीब 1.5 वर्ष में ही पीड़ित पिता को न्याय मिल गया। सजा हुई है व्यक्ति को। ये मामला 18 अप्रैल 2021 का था। तो एक मरका गांव के अंतर्गत एक गांव के 5 साल की पीड़िता थी, उसको उसके चचेरे बाबा, अभियुक्त का नाम था राम बहादुर प्रजापति, उसने बिस्किट खिलाने के बहाने अपने घर ले गया, उसके साथ रेप किया। रेप के बाद उसको पंछे से गला घोट करके हत्या की और उसको लाश को छुपा दिया। जब उनके सगे बाबा विजयपाल खार से आए तो उनको ढूंढवाया, पता चला कि ये बच्ची तो वहाँ गई थी। तो जब खोजा गया तो बच्ची वहाँ घर पे मिल गई। उसके बाद उन्होंने इस घटना की रिपोर्ट लिखाई और उसमें ट्रायल चला। डेड बॉडी घर पे मिली थी और 28 दिन में फैसला आया। फांसी की सजा माननीय स्पेशल जज पास्को अनु सक्सेना द्वारा यहाँ पर सुनाई गई। इतना लेट क्यों हुआ? 2021 का मामला था, अब तक यहाँ पर दरअसल स्पेशल रिपोर्ट जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट थी उसको आने में लेट हुआ। जब तक विधि कम से कम जब जिसको इतनी बड़ी सजा हो तो ये तो देखना चाहिए ना हमको कि सजा वो मिल रही। अब उसमें सारी चीज़ें मिल गई, सारे जो जो एलिमेंट थे जो उनके स्पॉट थे वो मिले। तो जब सबका मिलान हो गया और ये किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था? नहीं, मुकदमा दर्ज हुआ था 376 AB, 377, 302, 201 IPC व 5/6 पासवर्ड में, और इन्हीं धाराओं में उसको कन्विक्ट किया गया। क्या छिपा भी दिया था कि बच्ची के शव वगैरह को इकट्ठा करने में? शव को घटना के बाद शव को उसको अपने घर पर छिपा दिया था कि रात हो जाएगी तो उसको मतलब गायब कर देंगे, लेकिन तब तक पता चल गया, ढूंढते रहे, खोजने के बाद शव मिल गया। अभियुक्त के घर में कितनी मेहनत करनी पड़ी आप लोगों को सजा दिलाने में? जी, सजा दिलाने में कितनी मेहनत करनी पड़ी? अरे उसके लिए कह दिया, साथ साथ मैंने रूलिंग सुप्रीम कोर्ट की पेश की थी उसमें, और उसमें यह था कि धनंजय चटर्जी वाला जिसमें फांसी की सजा हुई थी खालिद की कब्री में, तो वो भी हमने पेश किया। एक बचन सिंह पंजाब राज भी पेश किया हमने, दर्शन परांडे महाराष्ट्र से, तो कई हमने रूलिंग की और काफ़ी मेहनत की और हमारे सभी साथियों ने। अब मैं ये तो कहूँगा कि प्रशासन का भी हमारे कप्तान साहब ने बहुत सहयोग किया, जो साक्षी नहीं आ रहे थे और डे बाई डे चलाया, उसको मुकदमा कराया। रामसूर बाबू जी थे, इन्होंने काफ़ी ताक ताक करके ऐसे इसको कि कम से कम इस मुकदमे को कोर्ट खाली कराना था, ये ना हो, पूरा कंप्लाइंस होना था, तो कंप्लाइंस करके काफ़ी ठीक है। वो खुश हैं। क्या कहेंगे ऐसे आरोपियों के लिए? क्या कहेंगे ऐसे दुर्दांत अपराधी को? इससे कम सजा देना, इससे कम सजा की उम्मीद नहीं की जा सकती। ऐसा दुर्दांत अपराधी और बड़ा कोल्ड बाइंड जी, चूँकि कोल्ड ब्लडेड मर्डर था, और इससे कम सजा नहीं दिया चाहिए थी। 5 साल की लड़की थी, 5 साल की बच्ची है, और ऐसे घर में ही अभियुक्त। तो क्या इसका मतलब कब तक इसको फांसी मतलब सजा दे दी गई? कब तक कुछ डेट वगैरह भी निर्धारित की गई क्या? नहीं, डेट नहीं, अब ये कंफर्मेशन के लिए जाता है, हाईकोर्ट में जाता है। आज यहाँ से कंफर्म हो गया फांसी, अब जाके कंफर्मेशन हाईकोर्ट जाएगा, क्योंकि नियम है कि हाईकोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तो ये वो जाएगा मामला हमारे यहाँ से फांसी। मैं आपको ये ताकीद करता हूँ कि ये फांसी सुप्रीम कोर्ट से ही बचेगी नहीं, क्योंकि जिस तरह के मामले में जो है उनको रियायत नहीं की जाती। कहाँ, किस जेल में बंद था ये आरोपी? नहीं, आरोपी बांदा जेल में मंडल कार्यालय बांदा में बंद था। किस थाना क्षेत्र का मामला था? थाना मरकाल क्षेत्र। आज जनपद बांदा के पॉस्को कोर्ट ने बहुत ही ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसमें एक नाबालिग बच्ची जो कि 5 वर्ष की थी उसके साथ दुष्कर्म किया गया था, तो उस मामले में कोर्ट ने आज फांसी की सजा सुनाई गई है। बताया गया कि बच्ची के चचेरे बाबा ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और दुष्कर्म करने के बाद बच्ची को भूसे में गाड़ दिया, जिससे उसकी मौत हो गई थी, जिस पर उनके बच्ची के परिजनों को पता चला और उन्होंने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने अभियुक्तों को उठाकर जेल भेज दिया गया है, जिस पर आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है और अभियुक्त को फांसी की सज़ा सुनाई है, साथ ही थाना भी लगाया है। इस तरह के मामले में अगर इस तरह के ऐतिहासिक फैसले आएंगे, जरूर ही महिला अपराधों पर अंकुश लगेगा। बांदा से न्यूज़ 21 के लिए श्रीकांत श्रीवास्तव।